स्वाभाविक तौर पे बहुत गहरा विषय है। इसी समाज में हम लोग जी रहे हैं और जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं वो भी इसी समाज का अंग है। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से हमारी बहन ऋचा जी और उसकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगी। इतना गहरा विषय आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग इसको बैठ करके केवल बात नहीं बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान कुछ बहुत ही गहरी बातें, कुछ बहुत ही गहरे निष्कर्ष उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, मैं धन्यवाद दूंगी ऋचा जी को। आज जितने लोग हम मंच पर बैठे हैं, हमें फूल देकर स्वागत नहीं किया, गुलाब का एक गमला दिया है, पौधा दिया है जिसमें फूल भी है तो कांटे भी है। ये जीवन वो चाहे महिलाओं का हो चाहे पुरुषों का हो, मैं ऋचा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इतना खूबसूरत सम्मान आप लोगों ने यहाँ मंच पर बैठे हुए सब लोगों को दिया है, लेकिन सामने बैठी हुई बहनों से एक जरूर मैं प्रश्न करूंगी। हम उसी भारत वर्ष में रहते हैं जिसमें जिसका इतिहास है अपने आप, जहां सीता जैसी मैया पैदा हुई, जहां अनसुईया हुई, जहां लक्ष्मी बाई हुई, जहां जीजा माता पैदा हुई जिनके पति की डेथ हो गई तो उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देने का काम किया, जहां अहिल्या माई हुई। इतना इतिहास में इतनी सारी नारियां, ये भूमि की भूमि। और आज कम से कम हम तो ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऊपर ये मानती हूँ कि जिस विषय को लेकर के हम यहाँ चर्चा करते हैं वो उनका पदार्पण हमारे समाज में कैसे हुआ इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। सामने महिलाएं बैठी हैं, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगी जो सवाल आपने मेरे से किया है उसका जवाब इसी भूमिका के साथ में जुड़ा हुआ है। सामने महिलाएं बैठी है इसलिए मैं प्रश्न करूंगी, आज अगर हम या हमारी बेटियां या हमारी बहनें जब समाज के अंदर निकलती हैं और कोई लड़का उसको लगातार उसका पीछा करता है या किसी दुर्भावना से उसको देख रहा है तो क्या वो लड़का हमारे और आपके ही किसी परिवार में से नहीं है? क्या उसको पैदा करने वाली महिला नहीं है? क्या उसके घर में बहने नहीं रहती? क्या संस्कार जो एक महिला को देना चाहिए, माफ कीजिएगा शायद मेरी इस बात से आप ये जाने कि मैं 19वीं सदी की महिला लेकिन मैं 21वीं सदी की महिला इसी समाज में रहती हूँ, इसी समाज में जीती हूँ और मुझे लगता है कि कानून जो है उसकी तो पूरी तरह से अवहेलना होती है। पुलिस डिपार्टमेंट उसको नहीं मानता, जिसके साथ में न्याय होना चाहिए उसके साथ में अन्याय होता है, कानूनन तौर पे भी, पुलिस के तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और अगर हम नीचे तक आए तो परिवार के अंदर भी बहुत सारी माताएं बहने ऐसी हैं जिनके साथ में कुछ भी अगर गलत हो जाए या कोई लड़का पूछा करता है तो मेरे परिवार का, मेरे खानदान का नाम समाज में कहीं लोग उसको कुदृष्टि से ला देंगे। इसलिए इस बात को हम समाज की परिपाटी पर कहीं ना कहीं नहीं रख पाते। लेकिन ये देखिए, वो लड़का भी हमारे परिवारों में से है तो यानी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वो इस तरह का बेटा, इस तरह का मनोभाव लेकर के जो सड़कों के ऊपर उतर रहा है, जो इस तरह के क्रियाकलाप के अंदर शामिल हो रहा है, जिसकी जिंदगी अगर कानून के दायरे में आए तो हम उसके किए हुए क्रियाकलापों के द्वारा उसकी जिंदगी बर्बाद तक हो सकती है, जेल तक जा सकता है, लेकिन इस तरह का भाव उसके मन में कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, इस चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ इतनी सारी महिलाएं जो सामने बैठी है और इतना भरा हुआ मंच, अगर हम यहाँ ये चर्चा करके चले जाए कि केवल कानून में बदलाव हो तो सब ठीक हो जाएगा, ये मुझे लगता है कि केवल उसी तरह से होगा कि एक भरा पूरा पेड़ है, हमने उसकी कोमल कोमल पत्तियों पर हाथ लगा लिया, कोमल कोमल फूलों को हमने अपने घर में सजा लिया, केवल उसी भांति होगा। इसकी जड़ में चाहिए और जड़ में क्या कुछ गलत है, कोई भी वृक्ष, वट वृक्ष, अगर उसकी जड़ गंदी होगी, अगर उसकी जड़ पूरी तरह से फली फूली नहीं होगी तो ये समाज रूपी वृक्ष चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो पुरुषों का हो कोई भी हरा भरा नहीं रहेगा। इसलिए शुरुआत मुझे लगता है कि हमें स्वयं से कर
करनी पड़ेगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी। एक मैं उदाहरण आप लोगों को दूंगी। आज हमारे बच्चे अगर उनसे ये कहें कि रामायण के पांच पात्र बताइए, तो पांच पात्र के नाम उनको नहीं मालूम हो, लेकिन हम अगर उनको कहें सिनेमा जगत के पांच लोग बताइए, तो आमिर खान, शाहरुख खान, न जाने कितने सारे नाम दिला देंगे। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके संस्कारों में क्या है, सिनेमा जगत है या हमारा इतिहास है, हमारे लोग हैं। क्यों नहीं हम लक्ष्मी बाई का पाठ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और इस तरह की शुरुआत जब स्वयं से होगी और मेरे परिवार से होगी, तो हमारा समाज सुंदर परिवार में, सुंदर समाज का एक सुंदर परिवार बनेगा। और इस समाज की जो हम बात करते हैं, वहाँ चाहे वो हमारा पिता हो, हमारा भाई हो, हमारा पति हो, उसको एक संस्कार देने का काम जो महिला, चाहे वो बहन के रूप में करे, बेटी के रूप में करे या पति के रूप में करे, तो ये जो माइनस पॉइंट्स जो हमारे समाज में आ रहे हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, मैं वहीं आती हूँ कि वो समाज में निकला हुआ वो पुरुष, वो लड़का भी हमारा किसी ना किसी का भाई है, किसी का पिता है। तो शुरुआत अगर हम अपने परिवारों से करेंगे, स्वयं से करेंगे, तो ये कुरीति कहीं ना कहीं दूर होगी। और दूसरी बात हम चर्चा कर रहे हैं आज कि क्या इस तरह के कानून को हमें बदलना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर जैसे हमारी बहन ने अभी बात की, कानून बनाने वालों ने भी बहुत कुछ देख करके और सोच समझ करके कानून बनाया है। हमारा दुर्भाग्य है कि वो चाहे सरकार में बैठी हुई केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे को हाथ पूरी तरह से बांध दिए हैं लोगों ने, लेकिन हम संकल्पबद्ध हैं कि कम से कम दिल्ली में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हमें और हमारी सरकार को जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी मैंने अपनी बहन रिचा से भी ये बात उठाई है कि कानून में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का जो ये प्रयास आप लोगों की तरफ से हुआ है, इसको शृंखलाबद्ध कीजिए। और क्योंकि मैं स्वयं भी दिल्ली सरकार की एक विधायिका के रूप में काम कर रही हूँ और एक महिला विधायक होने के नाते ये मुद्दा मैं जरूर अपने विधायक साथियों के साथ मिलकर के सरकार के मध्य में रखूंगी, सदन में भी रखूंगी। और आपकी ये आवाज आज जरूरत है, जो कानून लागू है उसको मजबूत करने का, उसको पूरी तरीके से लागू कर पाने के लिए सबसे पहला कदम हमें जो कानून बना है उसको मजबूती से लागू कर पाए, इसके लिए पहला स्टैंड उठाना चाहिए। और क्योंकि आज ये जनसंवाद है, जो जो बिंदु निकल करके आएंगे, और अगर हमें ये लगता है कि कानून में बदलाव की भी जरूरत है, तो स्वाभाविक तौर पर मैं और मेरी सामने बैठी हुई सभी महिलाएं जो समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाना चाहती हैं और स्वयं को महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से खड़ा करती हैं, महसूस करती हैं, वो सब एक सुंदर समाज की कल्पना के लिए हमारा साथ देगी। धन्यवाद।